आइए बच्चों, चैप्टर हमारा है इश्यू ऑफ शेयर्स और उसकी रिवीजन हमने लास्ट क्लास में भी की थी। आज उसी का पार्ट टू हम लेंगे जो कि चैप्टर को कंप्लीट भी कर देगा। ठीक है, चलिए। और जितना मुझे याद है, लास्ट क्लास में मैंने कॉल्स इन एरियर का टॉपिक जो था लास्ट वो लिया था। आज हम आ गए ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ओवर सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हम थोड़ा सा डायरेक्टली क्वेश्चन से ही लेते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आइए मेरे साथ। देखिए बेटे, यहाँ पर क्या है, कह रहा है एक कंपनी है, उसके पास 20 लाख रुपए के शेयर्स हैं। 20 लाख रुपए, ये रुपीज़ में, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 2 लाख। तो ये वही 2 लाख शेयर हैं जो कंपनी बांट पाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर, और जो 10 रुपए का शेयर है उसके साथ प्रीमियम भी है, यानी कि टोटल हो गया 15 रुपए का। अब 15 रुपए का ब्रेकअप क्या है? कह रहा है 4 और 6। अब यहाँ इसे मत देखना, अभी अंदर 6 और 4 10, तो यहाँ कितने लेने पड़ेंगे? 5। अब देखना ब्रेकअप क्या ले रखा है अंदर, चेक करो जरा। हाँ जी, ये 4 के 4 प्योर आ गए। कह रहे ये 6 रुपये हैं जिसमें 3 का प्रीमियम है, यानी कि 3 प्लस 3, और हमें ये टोटल बनाना पड़ता है 10। तो 10 में यहाँ 3 ही ले पाएंगे, और क्योंकि प्रीमियम टोटल 5 रुपये का है तो मुझे 2 रुपये का प्रीमियम यहाँ लेना है। बच्चे ऊपर ले लेते हैं, कुछ नहीं लेंगे आप समझ रहे हैं, इससे नीचे की स्टेज पर लेंगे आप उसे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकअप हो गया टोटल। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कह रहा है जो एडवांस आएगा उसका क्या करना है? कह रहा है एडवांस को अलॉटमेंट के लिए और कॉल के लिए यूज़ कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो भी हम क्वेश्चन की इतनी लाइन खुद एज्यूम कर लेते हैं, अलॉटमेंट तक हम एडवांस को रख सकते हैं। अगर बचेगा तो वो फिर वापस देना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, और अगर क्वेश्चन कह रहा है तो उस एडवांस को मैक्सिमम तक हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और कह रहा है बाकी रिफंड है, और 80,000 शेयर क्या मानूं, टोटल 2,80,000 लोगों ने मांग लिए। ठीक है, उसके अलावा कह रहे 1 लाख वालों को 30% ही शेयर दिए गए, यानी कि कौन सी कैटेगरी? प्रोराटा वाले, यानी कि 70,000 शेयर एडवांस कैटेगरी के अंदर है। 10,000 वालों को मना करना है, इनको कोई शेयर नहीं दिया, कोई एडवांस भी नहीं रहेगा। क्यों भाई, जब आपने शेयर ही नहीं दिए तो आप उनका एडवांस भी नहीं रख सकते, तो सारा का सारा रिफंड किया जाएगा उनको। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें टोटल करना है, तो आप बाकी 1,70,000 इस कैटेगरी के अंदर ले लेंगे। ठीक है, कोई एडवांस नहीं, कोई रिफंड नहीं, टेबल कंप्लीट है। मैंने बताया था इसका टोटल इन तीनों के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जरा पहली एंट्री हम बात करेंगे श्रेया से। श्रेया, क्या करना चाहिए बेटे? ठीक है, एंट्री वही है, अमाउंट बताओ। दिस इंटू 4, तो 2,80,000 इंटू 4 के हिसाब से पैसा मिलेगा 11,20,000। 11,20,000 बेटे, 2,80,000 इंटू 4 करेंगे ना, शुरू में पैसा इसी हिसाब से लोग देंगे हमें, क्योंकि वो शेयर मांग रहे हैं। यहाँ लोगों ने शेयर मांगे, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम उन्हें शेयर अलॉट करते हैं, मतलब यहाँ लोग शेयर मांगते हैं और यहाँ हम उन्हें शेयर देते हैं। अच्छा, मांगने की कोई लिमिट नहीं है, पर देने की लिमिट है कि नहीं? तो यहाँ हम उन्हें जब शेयर देंगे तो हम उनके पैसे को एडजस्ट करेंगे। 11,20,000 में से कितना हम रख सकते हैं एप्लीकेशन के नाम का? 2,00,000 × 4, 8 लाख रखने से कोई हमें रोक नहीं सकता। ठीक है, और क्योंकि इनके एक भी शेयर नहीं दिया गया है तो इनका पैसा रिफंड कर देंगे हम टू बैंक, कितना? 40,000। अच्छा, तुम ठीक से देखो, इसके अंदर जो 40,000 की एंट्री है, 40,000 की एंट्री इसी का रिवर्स है, सही है ना? बाकी आगे आ जाइए। अभी हमारे पास जो एडवांस बच गया है वो किसका है और कितना है? अच्छा सोचो, इसने कितने मांगे थे? इसने मांगे थे 1,70,000, और मैंने इसे दिए भी
इसने मांगे थे बेटे 1,00,000 शेयर और मैंने इसे दिए, इसने मांगे थे 10,000 और मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया। तो जो एडवांस बचा है वो इन्हीं का बचा हुआ है। इनका कितना एडवांस है? 70,000 पर इन्होंने यहाँ 4 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, यानी कि इन्होंने 2,80,000 एडवांस दे रखा है। अब यहीं पर सवाल उठ गया है कि 2,80,000 का मैं क्या करूं? अब 2,80,000 एडवांस के बारे में एक रूल बताया था हमने कि जिसका एडवांस है उसी के काम आता है ना। तो बेटे इसका एडवांस इसके कैसे काम आ सकता है? इससे हम यहाँ कितना मांगेंगे और यहाँ कितना मांगेंगे ये चेक करना पड़ेगा हमें। कितना मांगेंगे? 30,000 इंटू 6, यानी कि 1,80,000 तो हम यहाँ मांगेंगे उससे, तो और 30,000 इंटू 5, 1,50,000 हम यहाँ मांगेंगे। तो हम यहाँ पर उसी हिसाब से रख सकते हैं जितना हम उससे फ्यूचर में मांगने वाले हैं। बताओ क्या करूँ? टू शेयर अलॉटमेंट में कितना रख सकता हूँ मैं एडवांस? बोलो, मेरे पास उसका बचा कितना है? मेरे पास बचा है 2,80,000, पर मैं 2,80,000 यहाँ नहीं रख सकता, मैं मैक्सिमम 1,80,000 रख सकता हूँ बेटे। हाँ, 1,60,000 क्यों रखेंगे? क्योंकि हाँ, बाकी का जो बचेगा वो 1,00,000 कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। अच्छा, ओके, सॉरी, नहीं समझ आई बात, है ना। तो यहाँ पर हम 1,80,000 ही लिख पाएंगे। अभी भी इसमें से 1,80,000 यूज हुआ है बस। अभी भी मेरे पास 1,80,000 हटाने के बाद 1,00,000 रह रहा है। अब वो 1,00,000 इसके नाम का रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉल्स इन एडवांस 1,00,000। सर हम पूरे को, जैसे ये जो 1,00,000 और ये है, इस पूरे को कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल रख सकते हैं। सुनो, वो कह रही है कि मैं इसको यहाँ ना रख के इसे भी इसके साथ रख दूँ। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, पर सोचो अलग करने के फायदे हैं कि जोड़ के लिखने के फायदे हैं। इमेजिन, अलग करने से एक फायदा है, आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना नहीं पड़ेगा कि कितने आ चुके हैं अलॉटमेंट के नाम के। वो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा अलॉटमेंट के नाम से। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस एंट्री। समझ रहे हैं आप? अब आइए जरा इस एंट्री पर। रुचि बताओ बेटे, एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट जो हमने 1,80,000 से डेबिट किया उसे डेबिट कर देंगे। सॉरी, एक सेकंड। कोई बात नहीं, सेकंड तो दो ले लो, पर एंट्री गलत बता रहे हो। ये एंट्री बेटे ड्यू करने की है, ड्यू करने की। तो इसमें आएगा 6 × 2,00,000। बिल्कुल, 6 × 2,00,000, यहाँ 12,00,000, 6,00,000 कैपिटल का, 6,00,000 प्रीमियम का। अब आ गई बेटे रिसीव करने की बारी। रिसीव करते टाइम, अच्छा सबने पैसे दिए हैं, कोई डिफॉल्टर नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सब पैसे दे रहे हैं, क्या करूं? शेयर अलॉटमेंट डेबिट करेंगे पहले तो। क्या कह रहे हो? पैसे मिल रहे हैं तो पैसे। व्हाट आर यू सेइंग? हमें 12,00,000 लेने हैं, 12,00,000 में से 1,80,000 आ रखे हैं, तो बाकी के 10,20,000 और ले लो। उसे हम नहीं कंसीडर करते यहां पे। किसको? वो दोबारा थोड़ा देगा पैसे, हटेगा मतलब डेबिट करके से वो नहीं करेंगे। किसको? बेटे एडवांस अगर आप ले भी रहे हैं यहाँ पर, तो फिर एडवांस अगर आप लेते तो होता ना यहाँ पर। पर हमने तो एडवांस किया ही नहीं, हमने तो अलॉटमेंट अलग से दिखाया है। तो यहाँ पे आने की, मतलब लाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हारी बात को 2 मिनट के लिए बड़ा कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, तुम ये कह रहे हो कि मैं ये नहीं करती हूँ, ठीक है? अगर तुम ये नहीं करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 और फिर आपको यहाँ कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना पड़ेगा। हाँ, पर लोगे तो बेटे इतने ही ना पैसे, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, अब आ गए फर्स्ट कॉल पे, आ जाइए। फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे 2,00,000 × 10, है ना? 2,00,000 × 5, 10,00,000, 6,00,000, कोई दिक्कत? आइए जरा रिसीव करवाइए उत्कर्ष। हाँ, यहाँ तो 10,00,000 क्रेडिट होगा कन्फर्म है, वरना अकाउंट बंद ही नहीं हो पाएगा। किस किस को आता है? वेरी गुड यार, सबको आता है, शाबाश। बिल्कुल, इसी एडवांस को यहाँ देखा रुचि बेटे, यहाँ पर ये ऐसा होगा जो तुम पीछे कर रहे थे, वहाँ वो तभी होता जब मैं इस अमाउंट को इसके अंदर घुसा देता, ठीक है? तो यहाँ पर डेबिट में 1,00,000 और ये 9,00,000 आ जाएगा। आसान है, ये एक वार्म अप क्वेश्चन था
कि आपको ये टॉपिक एक बार रिकॉल हो जाए। चलिए जरा और कुछ ट्राई करते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन लेंगे, ऐसे कोई टुच्छे क्वेश्चन के ऊपर। कोई नहीं बेटे, बहुत हैं आगे, चिंता ना करो। यू मीन्स क्वेश्चन नंबर 71? नहीं नहीं, इसका ये लास्ट। अरे नहीं, अपने को वहाँ तक के सपने हैं। हाँ, हम वहाँ बात करेंगे ना ज़रा। क्वेश्चन ये भी ठीक है, ठीक है। लो बेटे, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट होता है जब शेयर फॉरफीट किए जाते हैं, सुन लेना। आप पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे साथ काम करेंगे, ठीक है। राम है जिसके पास 400 शेयर हैं और राम ने सारा पैसा दे दिया। श्याम जिसके पास 300 शेयर हैं, श्याम ने फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं दी। अच्छा, इन एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 300 पर कितने रुपए, यानी कि 600 रुपए नहीं मिल रहे हैं बस। तो 14 में से मैंने क्रेडिट ही 800 करे हैं बस, अभी 600 मिले नहीं है। एरियर भी खोल सकते हैं आप, है ना। फिर यहाँ 700 मांगे, 700 में से जो मिले हैं वही क्रेडिट करें, 300 नहीं मिले हैं। फॉर फ्यूचर की एंट्री चेक करो जरा कैसे डलिए। ये कौन सा अमाउंट होता है, हट नालायक अमाउंट, अमाउंट कॉल्ड फॉर कैपिटल, जो कैपिटल के लिए मांगा जा चुका है, जो मिल गया वो। चलो कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, चलो चेक कराता हूँ। लो देखो, अच्छा ये तो तुम जानते हो, यहाँ शेयर किसके छीने जा रहे हैं, शाम के। तो शाम, ये शाम के ही 3000 रुपए हैं। चेक करो देखो, एक तो इसके अंदर से शाम के निकाल लो, इसके अंदर से शाम के निकाल लो, और इसके अंदर से शाम के निकाल दो, और इसके अंदर से शाम के निकाल दो। देखो ना, हर जगह पर कैपिटल क्रेडिट है, तो यहाँ कैपिटल क्यों, क्योंकि जब आपने उसके शेयर वापस ले लिए तो उसके नाम की कैपिटल बुक्स में से हटानी ज़रूरी है, और कैपिटल हटेगी तो डेबिट होकर ही, क्योंकि आज तक वो क्रेडिट हुई थी। तो यहाँ पर वो कैपिटल आती है डेबिट में जो मांगी जा चुकी है, याद रखना, जो मांगी जा चुकी है। और ये एंट्रीज मांगने की एंट्रीज ही तो होती हैं, और ये एंट्रीज पैसे मिलने की होती हैं। ये पैसे वो देते हैं ना हमें, तो ये पैसे लेने की एंट्री है, और मांगने की एंट्री ही कैंसिल हुई है यहाँ पर। एंट्री में भी शेयर कैपिटल ओनली, सही है। उसके अलावा अब तुम ठीक से देखो, फर्स्ट कॉल के अंदर कितना बैलेंस है, 600, तो वो 600 का डेबिट है ना, तो उसे क्रेडिट कर दो। सेकंड कॉल के अंदर कितना बैलेंस है, 300 का डेबिट है, तो क्रेडिट कर दो। अब बच्चे सवाल उठाते हैं, ये 2100 कैसे आया, जो हमें गलत सवाल, अभी भी आप ऐसा बोल, अभी भी गलत। ये वो पैसा है जो कैपिटल के लिए मिल चुका है। आप ठीक से देखो, शाम से हमें मिल तो बेटे 8 रुपए चुके हैं, पर 8 × 300 के हिसाब से 2400, तो 2400 तो नहीं आ रहा। यहाँ केवल वो पैसा लिखते हैं जो कैपिटल के लिए मिल चुका है, यानी कि 4 + 3 = 7। समझ आई मेरी बात, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर ऊपर कंफ्यूजन हो रही है ना, तो खाली शाम की डिटेल ये रही, ओनली शाम। अब मैंने राम को अलग कर दिया थोड़ी देर के लिए। एक चीज़ हाँ, धीरे 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 धीरे, एक बार दोबारा बोलो शुरू से। प्रीमियम वाला अमाउंट बेटा इस 2800 के अंदर है ना। लो, बिल्कुल सही सवाल है ये। इन्हें मैं बेसिकली, मेरे भी ये डाउट्स होते थे, और मैं इन्हें ना फालतू डाउट्स कहता हूँ, ये मेरे भी होते थे। अरे सच्ची, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे भी फालतू डाउट्स होते थे। बट वट आई बिलीव कि हमें फालतू डाउट्स भी क्लियर करने चाहिए, क्योंकि वो डाउट है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए बेटे, इसी के अंदर वाली बात करें ना आप, ये प्रीमियम की, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो शाम के साथ है। ऐसा करो जरा, इस एंट्री को तुम दो हिस्से में तोड़ के लिख सकते हो,
इट इज पॉसिबल. शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलग कर लो, 900 रुपए की एंट्री अलग कर ली, ठीक है, और प्रीमियम वाली एंट्री अलग कर लो. अलॉटमेंट डेबिट टू SPR कितने बेटे? 300. अच्छा, जब अब इन्हीं दोनों को हम जब रिसीव करेंगे तो एंट्री यही बनेगी. yes. क्योंकि दोनों में जो अलॉटमेंट डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगी और पैसे मिल जाएंगे. yes, sir. अब तुम ठीक से सोचो, प्रीमियम के पैसे मिल चुके हैं हम, और प्रीमियम एक बार अगर कंपनी को मिल गया तो वो कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, कंपनी का अपना फायदा है, वो कंपनी कैंसिल नहीं करती है. वो तो अलग से इनकम होगी ना कंपनी की. इनकम नहीं बोलते हम इसे, दिस इज अ कैपिटल गेन. कैपिटल गेन ये इनकम नहीं है. इनकम वो होती है जो हम कमाते हैं, ये कमाया हुआ नहीं है, ये एक लिया हुआ अमाउंट है जो कि ओवर द फेस वैल्यू चार्ज किया जाता है. ठीक है, तो एम आई क्लियर? हाँ बेटे, अब यहाँ देखिएगा ज़रा, मैंने छोटे छोटे बदलाव किए हैं. ठीक है, मतलब मेरा मेन फोकस आज की क्लास में है कि आपका कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करके दूँ एक बार और. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें बदली हैं, आप पूरे सिस्टम पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ शाम पे ध्यान दो. यहाँ शाम ने इस बार तीन चीज़ें नहीं दी. अच्छा, उसने पहली एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और हमने वो पैसा कैपिटल में डाल भी दिया. ठीक है, फिर हमने अलॉटमेंट मांगी, नहीं मिली. फर्स्ट मांगी, नहीं मिली. सेकंड मांगी, नहीं मिली. अब एंट्री देखो जरा क्या हुई है. कैपिटल, कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गई है? कैपिटल 4 रुपये से भी क्रेडिट हो गई, 3 से भी हो गई, 2 से भी हो गई, 1 से भी हो गई. तो कैपिटल टोटल मांग कितनी ली थी? कैपिटल 10 ही मांगी थी. तो पूरी 10 रुपये की कैपिटल कैंसिल कर दो डेबिट करके. और प्रीमियम इस बार क्रेडिट हुआ पर डेबिट नहीं होता है वो बेटे, मतलब पैसे नहीं मिले. हाँ, पैसे नहीं मिले, मतलब प्रीमियम ड्यू तो कर लिया था पर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ कैश में. और जब वो कैश में रिसीव नहीं हुआ और आगे मिलना भी नहीं है तो उसे डेबिट करके हटा दो. अब हम क्या करेंगे, ये अलॉटमेंट जो डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो. ये डेबिट है क्रेडिट, ये डेबिट है क्यों? क्योंकि अब ये कभी नहीं मिलने वाले हैं. और जो कैपिटल के लिए मिल गए थे वो कैंसिल कर दो क्रेडिट करके फॉर फ्यूचर अकाउंट में. अच्छा, जब कंपनी शेयर छीनती है तो क्या पैसे लौटाती है? नहीं. सो क्या हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो अपने आप में एक डॉन है? दादागिरी चल रही है यार, मतलब जो पैसा मिल चुका है वो पैसा भी नहीं लौटाते, और तो और शेयर भी वापस लेके कैंसिल कर देते हैं. गलती नहीं है बिल्कुल, ये कंपनी के टर्म्स में होता है कि जब आपके शेयर वापस लिए जाएंगे तो आपका जो पैसा है वो आपको लौटाया नहीं जाएगा. अच्छा, अगर लौटाने का ट्रेंड होता बाय चांस तो क्या बदलाव आता? फिर हमारी बुक्स में फॉरफीचर नाम की चीज नहीं होती. फिर क्या होता? फिर यहां पर पैसा लौटा रहे होते हम टू बैंक. ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो. कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, 90% ही सब्सक्राइब हो गए. ओनली 90% सब्सक्राइब हो गए. तो एक बंदा है उसने फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दी. उसने एक बंदे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी तो कंपनी चलाएगा मिनिमम 90% शेयर्स. ठीक है, वो बाद की स्टेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसके शेयर छीन लेते हो और वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से नीचे चल जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है. ऐसे तो मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में, बाद में एक चला जाएगा तो क्या मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा क्या? अब वो शुरू हो चुका है ना, वो इनिशियल स्टेज की रिक्वायरमेंट है 90% वाली, बाद की नहीं है. सही है. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ, देखते हैं आप में से कौन मेंटली कितना स्ट्रांग है. इस पूरे तामझाम की फाइनल एंट्री क्या होगी? यहाँ पर बिल्कुल फाइनल एंट्री, क्या जिंदा बच जाएगा? मैंने ये कभी बात नहीं की है आपसे. इस पूरे तामझाम की एक लास्ट में बची हुई एंट्री क्या होगी? रेजिडुअल एंट्री. क्या इससे पहले वाली एंट्री मतलब? नहीं बेटे, बिल्कुल लास्ट की एंट्री, फाइनल एंट्री. सरासर बकवास. लेट मी टेल यू शेयर कैपिटल 1, 2, 3, 4 ये पूरी की पूरी खत्म हो गई. इसका मतलब शेयर कैपिटल फाइनल एंट्री में शो नहीं हो रहा होगा. गुड,
पूरे तामझाम में सर एक दो तीन चार पाँच छः एंट्री हैं, छः एंट्री के बाद बची हुई एंट्री की मैं बात करूँ, एक मिनट रुको, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल, यस दिस नहीं बिल्कुल सही एंट्री अगर आपने ये बोली थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। अच्छा फिर भी चेक कर लो, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल गया, सेकंड कॉल से सेकंड कॉल गया, ठीक है। और आगे आइए जरा, अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हुआ, डेबिट भी हो गया, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन गया, देखो क्या क्या, बैंक डेबिट में और फॉर फ्यूचर क्रेडिट। अच्छा जो बैंक है वो इधर दिखाई देगा और फॉर फ्यूचर इसके नोट के अंदर ऐड होकर दिखता है, गेटिंग माई पॉइंट, और वो इसीलिए दिख रहा है। अगर ये शेयर फॉरफिट नहीं हुए होते तो यहाँ शेयर कैपिटल इसके अंदर शेयर दिखाई दे रहे होते फिर, पर शेयर फॉरफिट हो गए, पैसे लौटा ही नहीं है। अच्छा अगर पैसे लौटा दिए जाते तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ भी कुछ नहीं दिखता, कैंसिल हो गया था, सब कुछ कैंसिल हो जाता, सही है ना। हाँ ये थोड़े ऊपर लेवल की बातें हैं, सही है। हाँ बिल्कुल, और फॉर फ्यूचर भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स अलाउ करते हैं, वो वरना नहीं। पैसे वापस करने हैं, नहीं पैसे करते ही नहीं है वापस, वो तो मैं आपसे एक जनरल फिनोमेना पे बात कर रहा था कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। AOA और MOA, हाँ इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन है आपको? कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस किस चीज के लिए होता है, आर्टिकल फॉर फ्यूचर के लिए होता है, आर्टिकल और मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो लिखी होती है बातें वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। MOA के अंदर क्या क्या होता है? MOA के अंदर कंपनी का एड्रेस क्लॉज होता है, कंपनी की लायबिलिटी के बारे में लिखा होता है, और कंपनी की ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है उसके अलावा, और लायबिलिटी है, एड्रेस है, कैपिटल है, टोटल पांच या छह क्लॉज होते हैं इसके अंदर। सर सारी कंपनियों का एक ही मेथड होता है शेयर फॉरफिट? हाँ प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है बिल्कुल। जब सेम है तो फिर एओए में क्यों लिखा रहता है इंटरनल में? मतलब वाला? आर्टिकल में आपको लिखना पड़ेगा ना, जब जब सबको राशन मिलना है तो फिर भी राशन कार्ड क्यों है सबका? ठीक है आइए जरा थोड़ा और बात करते हैं नालायक कहीं का। अब देखो बेटे इसके अंदर मैंने क्या चेंज किया है, इस बार मैंने प्रीमियम दो स्टेज पर ले लिया और कहानी ओनली शाम पे ध्यान देना। आप देख रहे हैं ये वाला जो प्रीमियम है ये प्रीमियम पैसे में कन्वर्ट हो चुका था तो ये प्रीमियम यहाँ कैंसिलेशन में नहीं जाएगा, केवल ये वाला प्रीमियम ही कैंसिल होगा इस बार। और शेयर कैपिटल वही जितनी मांग ली थी, चार तीन दो और एक, वही दस रुपये से कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 900 रुपये ये वाले, 300 रुपये ये वाले, और 2100 रुपये चार और तीन सात मिलकर, सात इंटू 300, सही है। आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट लगे तो बताइएगा। इसके अंदर देखिए जरा हमने क्या किया, शाम शाम ने 4 रुपये कैपिटल के थे दे दिए, ये वाले भी कैपिटल के थे दे दिए, ये वाले प्रीमियम के थे दे दिए, ये कैपिटल के थे दे दिए, ये प्रीमियम के थे, ये वाले नहीं दिए कैपिटल के और ये भी प्रीमियम के नहीं दिए। तो देखो जरा इस बार क्या होगा, इस बार प्रीमियम बस ये वाला प्रीमियम कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम कैंसिल हो गया, कैपिटल जितनी मांग ली है, मांग तो पूरी ली है 10 के 10, तो पूरी कैपिटल हटा दो और प्रीमियम जो मिल चुका है उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा शेयर सेकेंड कॉल कितने की थी, 600 की हटा दो, 2700 रुपये कैसे आए ये कृष्ण? ऐसे नहीं जो दे दिए थे, हाँ 4, 3 और 2, 9 × 300 2700, ठीक है ठीक है ऑलमोस्ट।
रीशू वाला नहीं है बीच में? व्हाट रीशू एंट्रीज? हम इसके अंदर बात कर लेंगे। अच्छा अच्छा केस होता है रीशू में कई बार, वो छोटे छोटे केसेस कह रहे हो, तीन एंट्री वाले? हाँ, फॉरफीचर रीशू और फिर कैपिटलिज्म। हाँ ओके ओके, चलो आओ, केस है ना अपने पास, एक वैसा करा दो बस। ओनली फॉरफीचर एंड रीशू, ये लो, सब कुछ है। मटेरियल की कमी नहीं है। हाँ मटेरियल की कमी नहीं है, ये क्वेश्चन में जान नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। चलो आओ। अरे मैं बड़े क्वेश्चन लेने वाला था आपके साथ, एक दो क्वेश्चन बड़े, तो फिर बड़े ले लो, मुझे लगा वहाँ मजा आएगा काम करने। हाँ है ना, बड़े क्वेश्चन लेते हैं वो जो लास्ट के हैं, जो जिसमें वो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला जो केस है। हाँ प्रोराटा भी, फॉरफीचर भी। हाँ थ्योरी ऐप पे है, हर चैप्टर की थ्योरी ऐप पे है, आपको जो चाहिए। और आई वुड से बात घमंड की नहीं है, मैं सीधा बस ये कह रहा हूँ, वो जो थ्योरी है बेस्ट थ्योरी है, ट्रस्ट मी, क्योंकि उसका कंपाइलेशन 4 साल का कंपाइलेशन है उसका, 4 साल लगे उसे बनाने में, उसके अंदर आपको हर टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा क्वेश्चन सब मिलेगा उसके अंदर, वो पढ़ लेंगे तो मैं पढ़ने की कोई नीड नहीं है आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की। हर चैप्टर की थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको इतनी थ्योरी मिलेगी ही नहीं, आप कोई भी बुक ले लो। सारे मैं पता है पेपर वाला सारी थ्योरी पढ़ी थी, बस एक चैप्टर की मैं थोड़ी अनसैटिस्फाइड थी, वो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन की। हाँ, बस उसकी, और बाकी सब तो बहुत अच्छी थी। सारे आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है कि ये थ्योरी ले लो वो बुक ले लो, कोई नीड नहीं है। चलो बेटे एक ये सुंदर सा क्वेश्चन है, ये ट्राई करते हैं जरा, एक कंप्लीट कह रहा है, कोची सिल्क लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर मैक्सिमम है, लोगों ने कितने मांगे हैं? 80, तो यहाँ 80 ही लिखे जाएंगे और यहाँ 40। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, एक ये और देख लो मैं ज़रा इसके अंदर क्या है। ठीक है ठीक है जी, उसके अलावा कह रहा है 10 रुपये का शेयर है जिसमें 8 रुपये का प्रीमियम है, यानी ब्रेकअप क्या हो गया, 4+2। हाँ और फिर 4+2 और 1+2 और ये 1+2। अच्छा चार और चार आठ, 8 और 1 9 और 1 10, और ये 8 रुपये प्रीमियम वाले हो गए, हो गया कंप्लीट। आइए ज़रा शेयर कैसे बांटे हैं, कह रहा है पढ़ो ज़रा पढ़ो, 70,000 वालों को ही शेयर दिए हैं, इसका मतलब 70,000 वालों को ही दिए हैं, तो इन्हीं को 40,000 दिए होंगे, तो 30,000 एडवांस में गए होंगे और 10,000 वालों को मना कर दो। ठीक है ये 30 और ये 10। चलो जरा पहली एंट्री पे हम आते हैं, क्या होगा बेटे? अच्छा इनका हम एक सिस्टम बना लेते हैं, इन्होंने कितने मांगे हैं? 80 नहीं बेटे, इन्होंने मांगे हैं 70, तो मैंने इन्हें दिए हैं, इन्होंने मांगे हैं 10, तो मैंने इन्हें दिया है निल, 0। देख रहे हो ना आप, कलर भी देख रहे हो ना, कुछ हंस रहे हैं कुछ रो रहे हैं, तो मतलब गुस्सा, खैर आओ बेकार की बात थी। पहली एंट्री पर अमाउंट, इन्होंने 70 और इन्होंने 10, टोटल 80 पर कितना पैसा भेजा होगा? 80 पर 6, यानी कि 4,00,000 80,000। जिसको शेयर्स के चैप्टर की कभी भी रिवीजन लेनी हो, पीछे के 10 क्वेश्चन कर लो, बहुत है भाई, उसके अंदर सारी दुनिया है, बाकी का चैप्टर तो बेस बनाने के लिए। बाकी के चैप्टर से अगर मैं निकालना चाहूँ तो 5 सुंदर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मिल सकते हैं। एक तो जैसे वो था गुप्ता वाला क्वेश्चन, जिसमें कुमार गुप्ता इस तरह का था, उसमें ना मतलब 4-5 क्वेश्चन तो बढ़िया है बीच में, जो कि वैसे इजी है पर वो बीच बीच में कंफ्यूज करते हैं, तो टोटल देखा जाए तो 15 क्वेश्चन में चैप्टर आपका रिवाइज हो सकता है कभी भी। ठीक है चलिए, अच्छा 4,80 इन्होंने 70 पर इन्होंने 10 पर मांगे, ठीक है ये लो ये मांग लिए इन्होंने,
अब बेटा यहाँ वाला दिन आया, अब यहाँ के दिन पर क्या होगा? अब हम उन्हें शेयर अलॉट करते हैं, तो हमने इन्हें बोला तुम्हें कितने मिलेंगे और तुम्हें मिलेंगे जीरो, तो बेटे उस हिसाब से हम पैसे को भी एडजस्ट करेंगे। 4,80,000 हमें मिला, अच्छा इन्हें 40,000 दिए हैं, तो 40,000 पर 4 रुपये, यानी कि 1,60,000 हम कैपिटल के नाम का रख लेंगे और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी रखेंगे ना बेटा, कितना 80,000 हमने उसका रख लिया, और इनके पैसे लौटा दो तो 2 बैंक 10,000 × 6, पूरे 6 लौटाएंगे ना, इन्होंने दिए भी तो 6 ही होंगे, तो 60,000। अब इनका एडवांस बच गया, अब इनका जो एडवांस है वो 30,000 शेयर के ऊपर है, 30,000 के ऊपर इन्होंने 6 के हिसाब से 1,80,000 एडवांस भेज रखा है। अच्छा तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो, इसमें से इन तीनों को माइनस करोगे तो 1,80,000 आएगा। अब वही 1,80,000 हमें एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में कुछ बोला है? ये रहा ना, कह रहा है अलॉटमेंट के लिए रख सकते हैं, बस 1,80,000 हमारे पास अभी यहाँ पर बचा हुआ है। अब पहले ये चेक कर लो इनसे यहाँ कितने मांगने वाले हैं, इनसे हम मांगेंगे 40,000 पर 6, जो कि बनेगा 2,40,000, तो मेरे पास तो 1,80,000 है, रख सकते हैं, और कितना रख सकते थे? 60 और रख सकते थे उससे ऊपर, पर है ही नहीं इतना, तो जो है उसे 2 शेयर अलॉटमेंट में डाल दीजिए, 1,80,000। इसके आगे चलिए बेटे अलॉटमेंट पे, मांगो, अब इसका कोई काम नहीं बचा है, अब इसका कोई काम नहीं है। हाँ 40,000 पर कितने मांगेंगे? 6, तो 2,01,60,000 इसके अंदर कैपिटल का है और 80,000 इसके अंदर प्रीमियम का है। जब रिसीव करने की बारी आएगी तो कितने मिलने चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितने मिलेंगे, मिलने चाहिए 60,000, 60,000 मिलने चाहिए, पर वो तो तब है जब सब पैसे दे देंगे, है ना? अब जरा देखो तो सही, एक्स जिसके पास 1200 शेयर थे, अच्छा एक्स ग्रीन वालों में से कि रेड वालों में से? ग्रीन वालों में से, रेड में से क्यों नहीं है? क्योंकि रेड को शेयर ही नहीं दिए हमने, तो ग्रीन वाला ही होगा। चलो ठीक है, कह रहा है जो एक्स है उसके पास 1200 शेयर हैं, कह रहा है उसने अलॉटमेंट नहीं दी और फिर उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल पे तो हम पहुंचे ही नहीं, अभी हमारी एंट्री तो अभी अलॉटमेंट वाली डल रही है, तो क्या करूं? एक्स ने कितने नहीं दिए बेटे? 1200 पर 6, तो क्या उसने 7200 नहीं दिए? उसने कुछ एप्लीकेशन पर एडवांस भी दिया होगा, तो वो एडवांस काटने के बाद जो बचता था उसने वो नहीं दिया, सो उसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, आपको पता है। तो यहां जो नहीं मिलेगा मैं उसके लिए एरियर ओपन कर लूंगा, ठीक है ना? चलो अभी हम बैंक का अमाउंट निकालने के लिए नीचे चलते हैं जरा। सबसे पहले हमें लिखना है अलॉटमेंट ड्यू, कितने से अलॉटमेंट ड्यू बेटे? 2,40,000, टोटल 2,40,000 लेने थे ना मुझे, तो अलॉटमेंट मुझे 2,40,000 लेने थे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन पर ही मुझे कितना एडवांस आ चुका है? 1,80,000 पहले ही आ चुका है, और माइनस एक्स नॉट पेड, यही तो निकालना है मुझे, एक्स ने कितने नहीं दिए। अब जो एक्स ने नहीं दिए होंगे मुझे वही तो यहां माइनस करने हैं। अब एक्स के मुझे यहां निकालने पड़ेंगे कि उसने कितने नहीं दिए। अब बात करो, सोचो ये एक्स है ग्रीन वाला, पहला वाला बंदा, सोचो इसके पास कितने शेयर हैं? 1200 इसके पास हैं, क्योंकि ये हैं अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। अच्छा हमें एक बात पता है, इन लोगों के बीच में एक रिलेशन है 7:4 का, जिसने 7 शेयर मांगे मैंने उसे 4 शेयर दिए, इसका मतलब एक्स ने कितने शेयर मांगे होंगे? 1200 × 4/7 या 7/4? वाई 7/4, क्यों? क्योंकि अलॉटेड और अप्लाइड में अप्लाइड बड़े होते हैं
और अगर मैंने इसे 4/7 किया तो जो रिजल्ट है वो 1200 से कम आएगा और मुझे रिजल्ट 1200 से ज़्यादा चाहिए, तो 7/4 तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटे 2100। इसका मतलब x ने जब यहाँ पैसा भेजा था तो वो 2100 के हिसाब से भेजा था, कितना 2100 × 6, तो उसने पैसा भेजा था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो कि उसने मुझे कितना पैसा भेजा था 12600। ठीक है, ऐसा करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस अंदर का कलर चेंज कर देता हूँ ज़रा। अगर यहाँ पर प्रोराटा की 2-3 कैटेगरी होती तो वो हमें बताता कि x कौन सी कैटेगरी से है, तो उसी कैटेगरी का उसी कैटेगरी का रेशियो ले लेते हैं हम अप्लाइड अलॉटेड। हैं जी, अगर हमें इसकी कैटेगरी ना बताई हो, ऐसा एक क्वेश्चन है बुक के अंदर मिला, टीएस के अंदर देखा मैंने तो उसके अंदर आपको कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, पॉसिबल है। अभी मैं बता दूंगा तो फिर गेम ही ओवर हो जाएगा क्वेश्चन का। ये आपके लिए टास्क है, मैंने पहले भी बोला था आप वो क्वेश्चन ढूंढो कहाँ है, वो कैसे सॉल्व होगा, फिर आप मुझसे बात करो उसके बारे में, कुछ तो थोड़ा सा बचाओ अपने लिए भी, है ना। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर उससे मुझे इतने पैसे मिले थे, अच्छा ये 12600 आपको पता हो तो इसके अंदर है, ठीक है, फिर मैंने उसके एप्लीकेशन पर यूज कितने कर लिए होंगे, अरे ये मिले थे 2100 के हिसाब से, फिर मैंने उसके रखे होंगे 1200 के हिसाब से, तो 1200 × 6 मैंने रखे होंगे, जो कि कितना बनता है 7200। अच्छा इस 7200 के अंदर क्या क्या है, कितना कितना 4800 की कैपिटल है और 2400 का प्रीमियम, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास उसका एडवांस आ गया होगा जो कि आ जाएगा 5400। अच्छा ये 5400 आपको पता हो तो इसके अंदर है, है ना। फिर मैंने उससे अलॉटमेंट मांगी कितने की, 7200 की, कैसे 1200 पर मैंने उससे ये वाले 6 रुपये मांगे कि भाई दे दे, और वो इसके अंदर घुसे हुए हैं, तो मैंने उससे मांगे 7200। और लो जी मैं लिख देता हूँ 7200 के अंदर मैंने क्या चीज़ कितनी मांगी, बोलो 4800 मैंने उससे कैपिटल के मांगे और 2400 मैंने उससे, अब वो कह रहा मैं नहीं दे रहा, मैंने कहा दे दे, कह रहा नहीं दे रहा, मैं मत दे। फिर हमने उसे क्या बोला होगा कि टोटल 7200 मांग रहे थे हम, दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो इतना तो आ ही रखा है, तो वो कह रहे ठीक है जो आ रखा है उसे रख लो, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो कितने नहीं दे रहा है वो, 1800 तो नहीं दे रहा। अब तुम ठीक से सोचो, ये जो एडवांस था ये एडवांस पहले इसके काम आया होगा, है ना, और फिर इसके काम आया होगा। अब ये 5400 का एडवांस 4800 इसके काम आ गया पूरा, और बाकी का जो बच गया 600 वो 600 इसके काम आ गया। इसका मतलब जो 1800 रुपये नहीं मिले वो सारे के सारे प्रीमियम के थे, जो नहीं मिले वो सारे के सारे प्रीमियम के नहीं मिले, तो ये है अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड। और ध्यान रखना दिस इज एंटायरली फॉर SPR, तो यहाँ से 1800 और माइनस कर दो, आपको जो अमाउंट मिलेगा वो क्या है, 1800 तो आपको एरियर मिल गया, लेना कितना था, लेना था 60,000, उसे यहाँ ले लो। अब जो मिल रहा है 60,000 में से 1800 निकाल दो, 58,200, समझ आई बात। फिर हम बेटे फर्स्ट कॉल पे आ गए, जरा आइए फर्स्ट कॉल। अच्छा इसके आगे आपको अप्लाइड और अलॉटेड के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, कारण क्योंकि एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट तक की स्टेज तक का था, अगर उसके बाद कोई भी व्यक्ति पैसे देने से मना करेगा तो वो पूरे ही पैसे नहीं देगा, है ना, मेरी बात समझ आ रही है। आइए जरा फर्स्ट कॉल, हाँ एक मेजर बढ़िया सा वर्किंग नोट बना लो, सुंदर सा, सारा काम आसान हो जाता है। चलिए बेटे फर्स्ट कॉल, उत्कर्ष, उत्कर्ष आप बताओ बेटे।
बोलो। अच्छा यहाँ प्रीमियम भी आएगा ये पक्का है, बोल दे लड़के। अभी कहाँ शेयर फॉरफिट कर लिए क्या? फॉरफिट थोड़ी करें, मारते हैं बच्चे जूतों से। हाँ सब मारते हैं यहाँ पे, सही सही बोला करो। अरे यार 40,000 पे 3 रुपये मांग लेना, पता नहीं क्या कर रहा है सर 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 सर। हाँ 40,000 इसके और 80,000 प्रीमियम। अब आ गई बेटे रिसीविंग की बारी। जब रिसीविंग की बारी आएगी तो क्या होगा, कितना बैंक में डालूं और कितना एरियर में डालूं, बताओ। लेने कितने थे, लेने कितने थे, 1,20,000। एक्स ने कितने नहीं दिए, एक्स ने पूरे नहीं दी फर्स्ट कॉल, यानी कि अपने 1200 शेयर पर 3600 रुपये उसने नहीं दिए एक्स ने, और लो वाई ने भी नहीं दिए। हाँ तो उसके अलॉटेड निकाल लेंगे ना हम, कैसे निकालेंगे, उसके 3500 अप्लाइड दे रखे हैं, 3500 इंटू 4/7 ना कि 7/4, तो वो आ जाएगा 2000 आएगा ना, 2000 आएगा ना। तो वाई ने 2000 शेयर पर नहीं दिया, 2000 शेयर पर कितने नहीं दिए उसने, 3 रुपये, तो 6000 वो भी नहीं दे रहा। तो निकाल लो जरा बेटे, 1,20,000 में से 3600 तो एक माइनस कर दो और 6000 का एक माइनस कर दो, 1,10,400 लेना था टोटल, 1,20,000, तो ये 9600 का यहाँ आ गया। अब हमें एक्स के शेयर अभी फॉरफिट करने हैं, क्योंकि एक्स के लिए कह रहा है फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए हमने। तो चलो बेटे एक्स के शेयर छीन लेते हैं, इस एंट्री के बाद आएगा यहाँ पर। किस किस को आती है, शाबाश वेरी गुड श्रेया, तुम बताओ। हाँ ओनली एक्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर डेबिट, टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं बेटे हमने एरियर खोला है, टू कॉल्स इन एरियर्स, शेयर फॉर फ्यूचर, अमाउंट बताओ। आराम से आराम से, ये ब्रेकअप बड़ा काम आता है ऐसे टाइम पर। बेटा 10 तक तो हम पहुंचे ही नहीं, क्योंकि हम तो यहीं पर ही उसका फॉर फ्यूचर कर रहे हैं ना। 1200 इंटू 9 तो वो आ जाएगा 10,800। 10,800 की तो कैपिटल खत्म हो गई। और श्रेया यहाँ सोच के, अच्छा याद रखना इसके अंदर भी कैपिटल प्रीमियम थे, इसके अंदर भी कैपिटल प्रीमियम थे, वो प्रीमियम जो हमें एक्स से नहीं मिला, हमने मांगा पर नहीं मिला। नो 1200 इंटू 4, आप ये वाला ले रहे हैं 4 है ना, ये नहीं है बेटे, 1800 का तो ये ले लेंगे हम, और फिर 1200 इंटू 2 लेंगे है ना, और 1200 इंटू 2 का प्रीमियम यहाँ पर है उसका। भाई यहाँ पर 1200 तो कैपिटल का है और 2400 का प्रीमियम है, तो 2400 ये वाला और 1800 ये वाला, 4200 का ही प्रीमियम कैंसिल होगा। नहीं समझ आया तो बताओ। मयंक आ गया, श्रेया नहीं आया। बेटे देखो ना उसका एडवांस हमारे पास कितना था, 5400 हमने कैसे यूज़ किया था, 4800 तो कैपिटल के लिए यूज़ कर लिया था, और बाकी का जो 600 था वो मैंने इसके लिए यूज़ कर लिया था प्रीमियम के। तो इसमें से 600 कटने के बाद 1800 नहीं मिले, तो वो सारे प्रीमियम के ही तो थे जो नहीं मिले थे। श्रेया अगर कन्फ्यूजन हो ना तो घर जाके खाली ये वाली एंट्रीज डाल लेना, डिफॉल्टर की एंट्रीज सारी, अपने आप समझ आ जाएगी चीज़। सही है, हाँ आइए ज़रा। तो बेटे 4200 का यहाँ पर प्रीमियम हटा दो, एरियर में कितना लूँ श्रेया, अगर आपको पता हो तो ये सारा एरियर एक्स का है ना, और 3600 रुपये का ये एरियर भी तो एक्स का है,
तो 3600 और 1800 5400 फॉर फीचर में कितना लूं? 96 है जी, सोच लो बैलेंस करके नहीं लेने का है। हाँ 96 ही आएगा क्योंकि पहले उसने वो दे दिए थे कुछ और फिर जो एप्लीकेशन 4800 तो ये वाले ले लेंगे बिल्कुल और 4800 ही ये वाले ले लेंगे कैपिटल के लिए तो मिले हैं ये दोनों। ये हाँ हाँ ठीक है लगा लो। अच्छा हाँ वही बात ठीक है ठीक है। पहले 1200 इनटू 4 किया वही 4800 हो गया वो 40। हाँ 1200 इनटू 4 ये वाला तो मिल गया। हाँ और उसने शुरू में ही इतना ज्यादा दे दिया था, कितना ज्यादा दे दिया था? 5400 दे दिया था। किस चीज के टाइम पर? ये उसने एप्लीकेशन के टाइम पर दिया था। फिर मैंने उससे अलॉटमेंट मांगी कितने की? 7200 जिसके अंदर 4800 कैपिटल के थे। और ये तो बेटा इस 7100 में से मैंने 4800 ये मिल तो गया। yes, इसका मतलब मुझे दो चीज़ें कैपिटल की मिल गई थी। yes, तो वही 9600 यहाँ आ जाएगा। डन। हाँ कन्फ्यूजन है तो बेटे कुछ नहीं है तरीका, ये सारी एंट्री अलग डालो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे भाई। मेरे पीछे बहुत डाउट्स थे फिर सर ने मेरे को यही बताया था ये सारी। यही एक तरीका है, एनरिच्ड लर्निंग इसी को बोलते हैं। क्योंकि कलेक्टिवली लाखों शेयर होल्डर्स को पढ़ना मुश्किल है, पर जब लाखों परेशान कर रहे हो ना तो उन्हें तोड़ दो, डिवाइड एंड रूल। समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा चलो। अरे बस अरे सेकंड कॉल। अब वैसे क्वेश्चन में जान बच्ची नहीं है, फिर भी आओ जरा। अब मार्केट से 1200 शेयर कम हो गए होंगे, 40,000 में से 1200 हट गए हैं, 38,800 पर 3 रुपए मांगे जाएंगे, 116,400 जिसके अंदर 38,800 कैपिटल के हैं और 2 SPR के आ जाएंगे 77,600। ठीक है आइए जरा यहाँ क्या होगा, यहाँ केवल Y नहीं दे रहा है और जो Y नहीं दे रहा है उसका एरियर डेबिट कर लो। ठीक है बोलो वाई कितने नहीं दे रहा, 2000 शेयर पर 6000 काट दो, लेने कितने थे 116,000 और जो मिल रहे हैं ओ सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, जो नहीं मिल रहे हैं वो यहाँ ले लो और जो मिल जाएगा वो बैलेंस यहाँ ले लो। अब बेटे यहाँ पर वाई के शेयर फॉरफिट कर लो, बोलो वाई के 2000 शेयर। हाँ शेयर कैपिटल डेबिट, 2000 शेयर हैं उसके, 2000 पर ये 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 और ये मांगे जा चुके हैं तो 20,000 तो वो हटा दो। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसने ये वाला प्रीमियम और ये वाला प्रीमियम दोनों नहीं दिए है ना, तो 2000 इंटू कितना 1600 दो 8000 आएगा भाई, क्या कर रहे हो सॉरी का क्या करना है हमने, कॉल्स इन एरियर 6000 ये वाला और 6000 ये वाला कितना 12000 और 2 कैसे निकालूं बिना बैलेंस किए, 9 into 2000 उसने जो हमें कैपिटल के लिए दे दिए थे 8 रुपए उसने दे दिए थे, 4 और 4 8 कितने 16000 तो 16000 यहाँ आ जाएंगे, आ गया इक्वल 28 28। अब रीइशू पे आ जाओ जरा, अब रीइशू में क्या कर रहा है टोटल, अच्छा टोटल शेयर हमने कितने छीन लिए, यहाँ कितने छीने थे 1200 और यहाँ कितने छीने यहाँ दो, तो टोटल हो गया हमारे पास 3200। अच्छा 1200 शेयर जब हमने छीने थे जो कि एक्स के थे, ठीक है एक्स के शेयर छीनने पर हमें फ़ायदा कितना हुआ था फॉर फ्यूचर का 9600 और अगर मैं वाई की बात करूँ तो हमने उसके कितने शेयर छीने, इस पर फ़ायदा हुआ है 16000। और रीइशू की अगर मैं बात करूँ तो रीइशू में टोटल कितने हो रहे हैं 2500 जिसके अंदर वाई के सारे हैं, मतलब वाई के
पूरे के पूरे 2000, तो इसके 500 ही हो पाएंगे, और क्योंकि इसके सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं तो इसका पूरा का पूरा 16000 यूज हो सकता है, और यूज सिर्फ दो ही होते हैं, या तो रीइशू पर डिस्काउंट दे दो या फिर इसे कैपिटल रिजर्व में डाल दो। अभी मतलब इसे हम क्या बोले, दिस इज फॉर फ्यूचर गेन अवेलेबल फॉर रीइशू, ये अवेलेबल है, इसका क्या यूज है वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसके कितने रीइशू हो रहे हैं तो इसमें से 500 का ही मैं निकाल सकता हूँ, वो कैसे निकलेगा, 9600 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 5600 मेरे पास अवेलेबल है, दिस इज फॉर फ्यूचर अवेलेबल, कितना 21600। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2500 जो मैंने रीइशू करे हैं वो मैंने 9 रुपए के हिसाब से रीइशू करे हैं, यानी कि बैंक डेबिट 2500 इंटू 9 22500, और टू शेयर कैपिटल एज फुल्ली पेड किए हैं, इसका मतलब 25000 यहाँ, और फॉर फ्यूचर में कितना डेबिट हो पाएगा, 2500 ही डेबिट हो पाएगा। तो बेटे इस टोटल में से मैंने 2500 डिस्काउंट के लिए यूज़ कर लिया, तो इसके टोटल यानी कि 21600 में से 2500 माइनस कर दो, 19100 वही फॉर फ्यूचर मेरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, 19100 ठीक है। अच्छा एक बात और देखो जरा, फॉर फ्यूचर कितने से क्रेडिट है, 16000 में से डेबिट कितना हो रहा है, 2500। अच्छा कुछ ये भी तो था, टोटल कितना क्रेडिट है, 25600, 25600 से फॉर फ्यूचर क्रेडिट है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितने से है, 25000। अच्छा फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से हुआ है, 21600 से ही तो हुआ है, इसका मतलब फॉर फ्यूचर में अभी भी क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, क्यों बच रहा है उत्कर्ष, क्योंकि अभी सारे शेयर रीइशू नहीं हुए। और सर जरूरी थोड़ी कि सारा अमाउंट लग भी जाए, मतलब जिस जो शेयर फॉर फ्यूचर का है रीइशू के टाइम जरूरी थोड़ी सारा लग ही जाए, यू मीन डिस्काउंट में, नहीं कोई जरूरी नहीं है, डिस्काउंट तो छोड़ो, कभी कभी तो शेयर प्रीमियम पर भी रीइशू हो जाते हैं, और डिस्काउंट पर रीइशू हो या प्रीमियम पर रीइशू हो फॉर फ्यूचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा ही जाएगा अगर बच रहा है तो, सही है। तो और कोई आप लोगों का डाउट है तो बताओ, नहीं। मेरी तरफ से तो भाई इस चैप्टर के अंदर इतना ही है जो भी है। सर एक वो क्वेश्चन है ना जिसमें हमें रेट फाइंड करना था, कितने पे हमने रीइशू करा, हमें बता दे कैपिटल रिजर्व में कितना डाला। अच्छा 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 मेरे एग्जाम में, मैं आता हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर, मैं समझ गया आपका डाउट। एक क्वेश्चन है ऐसा, अगर आपके पास सर वो पड़े हो ना जो आप कर दे पहले दे देते थे हमें प्रैक्टिस, वही क्वेश्चन होता ना तो करा दे, एक वैसा करा लेना मुझे। लेंगे, चिंता ना करो, अभी पहले मैं वो क्वेश्चन निकाल लूं। जस्ट मजाक किया, यही है ना, हाँ वो रेट भी निकल जाएगा इसी क्वेश्चन के अंदर। चलो ट्राई करते हैं ज़रा, एक क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे हैं, और एक कितने का था, और कंपनी ने 8 ही मांगे हैं, मतलब क्वेश्चन यहीं तक है, ये 2 रुपये की होगी जो कि अभी मांगी नहीं है, ये मांगी नहीं है का क्या मतलब, मतलब ये वाली एंट्री डली नहीं है, अभी जो काम है वो बस यहीं तक हुआ है, और कह रहा है बंदे ने 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, इसका मतलब ये 6 रुपये की थी जो उसने दे दी थी, ठीक है। आइए ज़रा पहली एंट्री पे, और ये एंट्री कहाँ डालूँ, इसके नीचे डलेगी, क्योंकि फॉर फ्यूचर हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगी, तो उसी ने नहीं दी, बाकियों ने तो दे दी होगी, तो ये बाकियों के देने की एंट्री है, अब उसने नहीं दी तो हमने उसके शेयर इसके बाद ही छीने होंगे,
बोलो। कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ सर, चार सौ रुपये शेयर कैपिटल डेबिट। हाँ बोलो। हजार हजार शेयर है ना जो फॉरफिट करें, तो हजार इंटू आठ, आठ हजार। कॉल्स इन एरियर ले लो कितना। हाँ जी हाँ, कोई इशू नहीं है, वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल लिखते हो या कॉल्स इन एरियर लिखते हो। 2000 का एरियर हो गया और टू शेयर फॉर फीचर हो गया 6000 का। अच्छा ध्यान रखना, दिस एंट्री इज फॉर 1000 शेयर फॉर फीचर, ठीक है। अब रीइशू की अगर मैं बात करूँ तो कह रहे हैं मैंने 400 ही रीइशू करें, और कह रहे हैं वो इस तरह से रीइशू करें। अच्छा एक बात बताओ, आप हजार में से रीइशू कितने कर रहे हैं? सो कहना है इसे 40%। अगर इसमें से 40% रीइशू हो रहा है तो इसका भी 40% अवेलेबल होगा, यानी कि जो कि होता है 2400 ही यूज कर सकते हैं आप बस। अब 2400 का दो यूज होते हैं, या तो रीइशू पर डिस्काउंट दे दो या कैपिटल, और वो खुद कह रहा 2000 तो इसके अंदर है, इसका मतलब 400 ही डिस्काउंट होगा। आओ जरा तीसरी एंट्री पर आ जाओ पहले, तो यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आपको रखना है 2000। इसका मतलब यहां पर फॉर फ्यूचर जो डेबिट है वो 400 का है, और कह रहे हैं जो 2000 जो हमने 400 रीइशू करें वो फुल्ली पेड में रीइशू करें। इसका मतलब 400 × 10 टू शेयर कैपिटल 4000। इसका मतलब हमने रीइशू पर पैसा कितना लिया होगा? 3600 रुपये। और आपने 3600 रुपये में कितने शेयर रीइशू करे? तो 3600 डिवाइडेड बाय 400 कर दो, तो 9 रुपये पर शेयर आपका रीइशू प्राइस है। हाँ उसको डिवाइड कर दो, 3600 को इससे डिवाइड कर दो, रीइशू प्राइस मिल जाएगा पर शेयर। दैट्स इट। कोई और डाउट हो बोलो। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड में है आजकल। एनी अदर डाउट? पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में ये है, 3-4 साल से ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। वो शेरनी के मुंह खून लग जाता है ना, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। सही है। चलो आज को हम यहीं एंड करते हैं इसे।